स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम देखते हैं लेसन फर्स्ट ईवीएस का लेसन फर्स्ट लिविंग टुगेदर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ए फैमिली वेयर जस्ट द पेरेंट्स। ए फैमिली एक परिवार वेयर जहां जस्ट द पेरेंट्स केवल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन और उनके बच्चे लिव टुगेदर साथ साथ रहते हैं इज वो है जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिली। तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली एकल परिवार। बेटा न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसके अंदर पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन साथ साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली के अंदर पेरेंट्स चिल्ड्रन और देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट फैमिली में बोथ ऑफ मदर और फादर इनमें से एक पेरेंट अपने चिल्ड्रन के साथ रहता है उसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। अगर क्वेश्चन नंबर टू है रिलेशन ऑफ ए मैन एंड वुमेन आफ्टर मैरिज। रिलेशन मतलब संबंध ऑफ ए मैन एक मैन का एंड एक वुमेन के साथ। मैरिज के बाद में एक मैन और वुमेन का आपस संबंध बनता है वो बनता है हस्बैंड और वाइफ का। किसे बनता है? हस्बैंड और वाइफ का। ब्रदर सिस्टर जो रिलेशन है वो एट द बोन स्टेज से होता है। फादर डॉटर जब एक नई बेबी बोर्न होती घर के अंदर तो फादर से उसका रिलेशन क्या होता है? फादर डॉटर का। लेकिन जब एक मैन और वुमेन शादी करते हैं तो उनका जो रिलेशन बनता है वो बनता है हस्बैंड और वाइफ का। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट है आवर फादर्स रिलेटिव्स आर आवर। हमारे पापा के जो रिलेटिव्स हैं वो आर हैं आवर हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स। क्या कहेंगे? पैटर्नल रिलेटिव्स। तो हमारे फादर्स रिलेटिव क्या कहलाते हैं? हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स। जबकि हमारे मदर्स रिलेटिव कहलाएंगे हमारे मैटर्नल रिलेटिव्स। ओके बच्चा, तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा? पैटर्नल रिलेटिव्स। नेक्स्ट है बेबी स्टे इन ए मदर्स वोम्ब फॉर। जो बेबी है स्टे मतलब रहता है इन में ए मदर्स वोम्ब। वोम्ब मतलब गर्भ। माता के गर्भ में एक बेबी कितने महीने रहता है? तो इसमें आंसर आएगा 9 मंथ्स। आगे देखते फिल इन द ब्लैंक्स। वी ऑल लिव इन फैमिली। हम सब कहाँ रहते हैं? वी मतलब हम ऑल सभी लिव रहते हैं इन में। हम सभी फैमिली में रहते हैं। सेकेंड है चिल्ड्रन बच्चे हु जो लॉस देयर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को खो देते हैं आर कॉल्ड ऑर्फन्स। वो ऑर्फन कहलाते हैं अनाथ कहलाते हैं। फैमिलीज परिवारों में ऑन ओल्डन डेज पहले के दिनों में पुराने दिनों में वर मोस्टली जॉइंट इन नेचर। जो पहले परिवार होते थे वो किसमें होते थे? जॉइंट होते थे। और अब होते हैं नाउ इज सिंगल या न्यूक्लियर। नेक्स्ट है फॉर रिलेटिव संबंध ऑन फादर साइड। जो फादर साइड के संबंध होते हैं आर कॉल्ड कहलाते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। उनको पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। और जो मदर साइड के होते हैं उसको बोलते हैं मैटर्नल रिलेटिव्स। तो फादर साइड के बोलेंगे हम पैटर्नल रिलेटिव्स। नेक्स्ट है मदर्स गिव बर्थ टू बेबीज। मदर्स मतलब माता गिव्स देती है बर्थ जन्म टू बेबीज। बेबी को जन्म कौन देता है? मदर देती है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।